तो बेसिकली अब जो है हम थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या ट्रू है। ऑप्शन दिया है कि क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस डेल्टा ई बराबर माइनस डब्ल्यू पी डेल्टा वी बराबर ज़ीरो क्यू बराबर डेल्टा ई। कौन सा प्रोसेस है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस है और हमें पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो ये बताओ क्या यहाँ पे डेल्टा ई, यहाँ पे ये एडियाबेटिक में ज़ीरो होता है तो क्या यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा? बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे माइनस डेल्टा ई बराबर माइनस डब्ल्यू होगा? तो बेसिकली क्या ये ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अ सिस्टम एब्जॉर्ब 300 केल्विन ऑफ हीट विथ रिजल्ट ऑफ दैट द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बिकम डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 273 केल्विन टू 547। डेल्टा टी जो है वो 273 है। तो द वर्क डन बाई सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज, ठीक है, कह रहा है कि अ सिस्टम जो है वो जो सिस्टम जो है वो बेसिकली डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और कह रहा है कि एक सिस्टम जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, एब्जॉर्ब कर रहा है 300 केल्विन ऑफ हीट को विथ रिजल्ट ऑफ दैट, यानी क्यू क्या यहाँ पे हो जाएगा 300 के हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ विथ सिस्टम बिकम्स डबल ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। अब बन क्या जा रहा है? डबल बन जा रहा है इनिशियल वॉल्यूम का, इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो जा रहा है और टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है इतना से इतना, बोला जा रहा है कि क्या है। तो देखो क्यू दे रखा है 200, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जब वर्क डन हो रहा है कि सॉरी वॉल्यूम जो है वो डबल हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम डबल अगर हो जा रहा है तो क्या वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 200 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या है कि बिल्कुल आएगा, वर्क डन कितना कर रहा है 200 कैलोरी का कर रहा है। कह रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इस 200, सिस्टम कर रहा है तो माइनस का 200 होगा और हीट कितना था तो 300 था। डेल्टा ई इज इक्वल टू 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ 418 जूल हीट इज एडेड टू द सिस्टम वर्क डन सिस्टम इज 100 कैलोरी व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो 418 जूल ऐड किया गया सिस्टम में तो पॉजिटिव का 418 एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 100 कैलोरी और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो ये बताओ कि यहाँ पे 100 जूल है तो यहाँ पे 418 जूल हो जाएगा, 100 कैलोरी है तो प्लस 418। तो हो जाएगा 836 जूल हो जाएगा इसका डेल्टा ई। बात करते हैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें तो अ नॉन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 डेल्टा ई इज इक्वल टू 30 atm, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डेल्टा वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। तो बेसिकली इंथैल्पी हम देख रहे हैं तो डेल्टा एच जो होता है वो होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो कह रहा है कि एक नॉन आइडियल गैस है जो स्टेट वन की वैल्यू दे रखी है 2 atm और 3 liter और टेम्परेचर 96 केल्विन से स्टेट टू में जा रहा है। स्टेट टू की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4 atm 5 liter 245 केल्विन। तो डेल्टा ई क्या होगा? तो यहाँ पे पी डेल्टा वी होता है। तो बेसिकली
हमें इसके लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 38 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा ई दे रखा है, तो डेल्टा ई क्या है 30 एटीएम पर लीटर है। प्लस कर देंगे क्या यहाँ पे P2V2 - P1V1 हो जाएगा, जो कि यहाँ बात करें तो ये आ जाएगा अपना प्रेशर कितना है, प्रेशर फाइनल है 4 एटीएम, वॉल्यूम है 5 लीटर। तो 20 माइनस प्रेशर इनिशियल था 2 और वॉल्यूम कितना था 3, तो 6 हो जाएगा 14। तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू 30 और क्या पे हो जाएगा ये प्लस 14 ये होता है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 44 एटीएम पर लीटर हो जाएगा। अगर जूल में करूँ तो 44 × 101 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि कुछ और क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अब आता है अपना क्वेश्चन कि फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर कम्बक्शन ऑफ मीथेन। तो कम्बक्शन ऑफ मीथेन करा जा रहा है, तो यहाँ पे CH4+2O2 गिव्स CO2+2H2O। कहा जा रहा है कि अब बताओ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर कम्बक्शन ऑफ मीथेन। तो बेसिकली डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस का पी डेल्टा वी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बराबर डेल्टा पी वी हो जाएगा। तो डेल्टा पी वी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो सबसे पहले हमें पता है कि हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी हो सकता है, क्या सकता है डेल्टा एन जी हो सकता है, एन जी आर टी हो सकता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखूँ तो ये भी गैस है, ये अपना लिक्विड है और ये अपना गैस है, ये अपना गैस है। तो ये हो जाएगा, नहीं ये अपना सॉलिड है सॉरी, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट का वन, क्या हो जाएगा वन माइनस का ओ टू क्या दे रखा है टू इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा बेसिकली मेरे ख्याल से ये भी गैस ही ले रखा है ये। तो प्रोडक्ट में वन है माइनस का क्या हो जाएगा ये थ्री इज इक्वल टू माइनस का टू आएगा। तो अगर डेल्टा एच निकालूं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बराबर डेल्टा एन जी आर टी, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी माइनस टू आर टी आ जाएगा। फाइंड डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर द कम्बक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के कम्बक्शन की अगर अब बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला है C6H6 लीटर में है प्लस 5/2O2 बेसिकली यहाँ पे माइनस वन ही आएगा मेरे ख्याल से इज इक्वल्स टू 6CO2+3H2O। ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एन जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 - 5/2 7/2 हो जाएगा, और अगर मैं बताऊँ तो ये हो जाएगा 7/2 RT आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अब बात करते हैं किसके बारे में, कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को अगर मैं छाट लूँ और एक मिनट आ गया, कह रहे कैलकुलेट करो एंट्रोपी चेंज। तो सबसे पहले अगर मैं एंट्रोपी चेंज का ओवरऑल फार्मूला बता दूँ तो काफ़ी शानदार फॉर्मूला है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी 2.303 लॉग V2/V1 प्लस का हो जाता है क्या फॉर्मूला 2.303 लॉ एन आर लॉग
क्या हो जाएगा टी, अच्छा इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पे टी टू रहता है, ये हो जाएगा अपना वी टू अपॉन वी वन। यहाँ पे अपने तो अपन लोगों ने कुछ गलती कर दी है कि हमने यहाँ वी रख दिया, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना टेम्परेचर आएगा। चलिए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, कह रहा है कि कैलकुलेट करो एंट्रोपी चेंज वन 10 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड कर रहा है रिवर्सिबली आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर से 100 लीटर पे एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे जो है वो कर रहा है। तो बेसिकली आइसोथर्मली बोल दिया तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो अपना केवल ये बचेगा। तो ये हो जाएगा 2.303 एन, कितना मोल है 10 मोल है इंटू 10 इंटू आर की वैल्यू जूल में देखूँ तो 2 जूल होती है, 2 बेसिकली लेते हैं, सॉरी 8.3 जूल लेते हैं, तो 8.3 इंटू लॉग कितनी है फ्रॉम वी टू इज 100 टू 10, तो ये लॉग 10 आ जाएगा। एच जी ये होता है अपना 1, तो ये हो जाएगा अपना 83 इंटू 2.30। तो हे सिरी तो सुनेगी नहीं, तो ये तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है तो कितना मोल, 2 मोल हो जाएगा। इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 ATM टू 0.25 ATM एट 30 degrees Celsius रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, फिर से यही हो गया। कह रहा है कि कैलकुलेट करो एंट्रोपी चेंज, तो ये बताओ एंट्रोपी चेंज हमें निकालना है, तो हमने देख रखा है कि क्या है आइसोथर्मल है, तो यहाँ से भैया ये तो अपना फिर कैंसिल हो गया, ये बचेगा। लेकिन ये हमें पता है कि पी टू वी टू बराबर पी वन वी वन होता है, तो वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू होता है। तो जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2.303 लॉग एन आर लॉग पी वन अपॉन पी टू, ये फार्मूला होता है। तो अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ, क्या कर दूँ पुट कर दूँ वैल्यूज़, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 2.303 इंटू 9 मोल कितना 64 ग्राम है यानी 2 मोल, यानी 2 इंटू आर की वैल्यू 8.3 इंटू लॉग प्रेशर 1 थी अपनी कितनी 1 ATM टू प्रेशर 2 0.25 ATM होगा, तो ये बेसिकली लॉग की वैल्यू 4 आएगा, लॉग 4 आएगा। तो बेसिकली लॉग 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है अपनी 0.6, तो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.3, या फिर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 16.6 इंटू 0.6 जो कि 27.053 के लगभग आ जाएगा। बोला है एंट्रोपी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम हीट एंड वेपराइजेशन इज इतना एट 100 degrees Celsius, कैलकुलेट करो एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस। ओह माय गॉड, एंथैल्पी चेंज है ना बेसिकली ये होना चाहिए। कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज जो है, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया थोड़ा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको इनथैल्पी। तो कह रहा है कि इनथैल्पी चेंज जो है फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इतना, इनथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच दे रखा है कितना 40.8 किलो जूल विच इज इक्वल्स टू 40,800 जूल है डेल्टा एच। 100 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करो एंट्रोपी चेंज, तो बेसिकली डेल्टा एस क्या होता है, तो ये होता है क्यूपी अपॉन टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे 4800 अपॉन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में रखेंगे जो कि 373 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 109.3 जूल आ जाएगा। ये बेसिकली इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, तो जो कि क्यू के बराबर होता है। लिखा है कि एट 0 degree 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ वाटर, द हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस इज 600 जूल पर मोल।
कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, तो 0 डिग्री है, 6000 मोल है एब्जॉर्ब हुआ है, तो 6000 अपॉन 0 डिग्री पे 273 केल्विन, तो ये बेसिकली 22 आ जाएगा, वो भी माइनस कराएगा क्योंकि ये जो है ना 0 डिग्री है या, क्योंकि माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि अब जो है नहीं प्लस का ही आएगा क्योंकि यहाँ पे आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में और वाटर की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। अगर ये फ्रीज होता तो ये -22 आ जाता। चलिए अब बात करते हैं कुछ और मोर क्वेश्चंस की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, सॉरी माइनस टी डेल्टा एस। अब बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन कह रही है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन आर 170 एंड 170 जूल। तो कह रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू दे रखा है 170 किलो जूल, जो कि ये अपना 000 किलो जूल। और कह रहे हैं कि डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो है अपना 170 जूल। द रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस एट, अब रिएक्शन किस पे स्पॉन्टेनियस होगा, कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो ठीक है। तो ये बताओ ये पॉजिटिव का 170,000 जूल है, ये अपना पॉजिटिव का 170 जूल है कि नहीं है। तो ये बताओ ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो बेसिकली ये एक अनफेवरेबल कैरेक्टर है, ये एक फेवरेबल कैरेक्टर है, तो हमें फेवरेबल को बढ़ाना है, हमें फेवरेबल को क्या बढ़ाना है, बढ़ाना है या तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो लेट द गिवन रिएक्शन बी इन इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, तो अब टी जो होगा वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 170,000 अपॉन 170। ये चला गया, ये भी चला गया वन बार में, तो टेम्परेचर आ गया 1000 केल्विन। यानी अगर 1000 केल्विन से ऊपर गया तो ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है ताकि ये जो है डेल्टा एस फेवरेबल कैरेक्टर जो है ये बढ़े, ठीक है, यही किया हमने। ठीक है, दिया है कि फॉर द गिवन रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 35.5 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 83.6 जूल पर मोल। कह रहे हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, यहाँ पे बताओ ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इसको हमें बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ पे टेम्परेचर वही फिर 35.5 अपॉन 83.6 निकाल देंगे। अब जो भी तुम्हारा टेम्परेचर आएगा देख लेते हैं क्या आता है, ये सॉरी जूल है ना, ये किलो जूल है, तो बेसिकली 500 हो जाएगा, तो जो भी आएगा वो बेसिकली 425 पाएगा, तो अबव 425 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे जो है केल्विन पे ये जो होगा ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच ये -95.6 किलो जूल है, एंड डेल्टा एस जो है वो -199.16 जूल है। कह रहे द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, तो बेसिकली डेल्टा एच की वैल्यू दे रखा है 95600, कितना 00 अपॉन में ये हो जाएगा 199.16। अब यहाँ पे ध्यान दो कि डेल्टा एच जो है ये फेवरेबल है,
और डेल्टा एस जो है वो अनफेवरेबल है। तो बेसिकली हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इस बार ही घटाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जो होगा वो आ जाएगा अपना लगभग आएगा अपना किसके बराबर, तो 425 के बराबर आएगा, नहीं 489 के बराबर करीब आएगा। अब 480 से कम टेम्परेचर पे जितना भी हो जाएगा वो हो जाएगा इसका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सॉरी हो जाएगा इसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। 480 केल्विन से जितना भी कम हो जाए वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ ऐसे इस टेम्परेचर पे। तो बेसिकली हमने ये सब देख लिया। कह रहा है फॉर द हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन हाफ ए टू प्लस थ्री बाई टू बी टू जी गिव्स ए बी थ्री। इट्स एंट्रोपी ऑफ ए टू इफ एंट्रोपी ऑफ ए टू बी टू एंड ए बी थ्री है 60, 40 एंड 50 जूल द केल्विन रेस्पेक्टिवली। बेसिकली हमें एंट्रोपी निकालने को कही गई है। कह रहा है कि फॉर द हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन हाफ ए टू प्लस थ्री बाई टू बी टू जी गिव्स ए बी थ्री। डेल्टा एच की वैल्यू दे दी गई है क्या, -20,000 जूल और इट्स एंट्रोपी ऑफ बी टू बी टी जे जो है ये दे रखा है, कितना दे रखा है, ए टू का दे रखा है एंट्रोपी कितना 60, बी टू का एंट्रोपी दे रखा है कितना 40 और ए बी थ्री का एंट्रोपी दे रखा है 50। तो बेसिकली इनके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं इसका लिखा है अपना 1/2, तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, इस पर लिखा है 3/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, और इस पर कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली एंट्रोपी निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द डेल्टा एस ऑफ द रिएक्टेंट होता है। ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का ये सम करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा ये 60, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 30, तो ये बेसिकली माइनस का 40 आएगा, और ये अपॉन में माइनस 40 अगर कर दूँ तो ये अपने पास लगभग 500, यानी टेम्परेचर जो होगा वो 500 केल्विन आ जाएगा। तो अगर 500 केल्विन टेम्परेचर जो हो गया वो हो गया ना, तो इस 500 केल्विन से नीचे हो गया तो रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा अपना क्या, एक स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर 500 केल्विन से ऊपर हुआ तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अगर 500 केल्विन रहा तो ये एक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो दैट वाज द क्वेश्चन, और इसका आंसर भी हमने आसानी तरीके से दे दिया। अब देखते हैं जो थर्मोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि 5 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है 1 ग्राम ऑफ रोम्बिक सल्वर जब ऑक्सीडाइज हो रहा है विथ ऑक्सीजन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 क्या होगा। तो जब बताओ 1 ग्राम जो है वो रोम्बिक सल्वर जो है वो रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो बन रहा है कुछ SO2 कुछ X अमाउंट, और ये बन रहा है कितना, ये बनेगा अपना डेल्टा H निकलेगा कितना 5 किलो जूल। तो मुझे बनाना है 1 मोल, तो ये भी होना चाहिए 1 मोल, तो इसके लिए हम एक मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से इसे, तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो 32 × 5 कर दूंगा तो यहाँ पे 160 जूल आ जाएगा, किलो जूल सॉरी। ठीक है, वैसे फिर है क्वेश्चन की फॉर द रिएक्शन ऑफ H2Cl2 gives 2HCl गैस, ठीक है, डेल्टा एच इज -120 किलो जूल, देन हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो बेसिकली यहाँ दे रखा है कि H2 + Cl2 ये बना रहा है 2HCl,
और इसका जो दे रखा है कि डेल्टा एच जो है बड़ा तुम्हारा -120 किलो जूल है। तो बोल रहा है कि क्या होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन HCl का, तो बेसिकली दो मोल के लिए -120 दिया है, तो एक मोल के लिए -120/2 यानी कि -60 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बेसिकली यही क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोर कंपाउंड आर गिवन बिलो देन स्टेबल कंपाउंड विल बी। बेसिकली अब मैं थोड़ा, एक क्वेश्चन है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर दिस 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 फॉर द रिएक्शन C2H2OH+3O2 गिव्स 2CO2+3H2O। यहाँ पे इसका दे रखा है कितना, इसका दे रखा है अपना 400, इसका दे रखा है अपना 304, इसका दे रखा है 280 ये माइनस के। तो अगर मैं बताऊँ तो ये क्या दे रखा है, ये सब दे रखा है स्टैंडर्ड हीट, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्स का, ना कि कंपाउंड्स का, स्टेबल कंपाउंड्स का नहीं, स्टेबल एलिमेंट्स का, जिसमें ये आ जाएगा इनका ज़ीरो हो जाता है। तो बेसिकली हमें समेशन ऑफ प्रोडक्ट वगैरह ये सब करना है फॉर्मूला से। तो इसका दे रखा है -280, तो ये हो जाएगा 3 प्रोडक्ट 3 × -280+2 × 304 माइनस का, माइनस कर देंगे 400, तो ये हो जाएगा अपना 1628 - 400, ये आ जाएगा अपना 1228 आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। अब आगे बात करेंगे कभी और।